भारत विकास परिषद शाखा नीमच ने हिंदू नववर्ष के अवसर पर प्लैटिनम चौराहे पर नीमच वासियों को तिलक लगाकर और नीमच में काली मिर्च मिठाई खिलाकर बधाई दी। सेवा संस्कार में अग्रणी भारत विकास परिषद शाखा नीमच के सदस्यों और महिला प्रकोष्ठ द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर 2080 गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पर आज सुबह विजय चौक के चौराहे पर नागरिकों को कुमकुम तिलक लगाकर और नीम मिश्री मिठाई काली मिर्च खिलाकर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, भारत माता, स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर अध्यक्ष डॉक्टर मनीष चमड़िया, सचिव सुशील गट्टानी, आरवी गोयल, महाविद्यालय के प्राचार्य वीके जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम में सदस्यों द्वारा दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर जाने वाले राहगीरों और पैदल चलने वालों को नववर्ष की बधाई दी गई। सशक्त हिंदू समृद्ध भारत का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान चेटीचंद के उपलक्ष्य में निकाले जाने वाली वाहन रैली का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार, पिंटू शर्मा, मनोज माहेश्वरी, शांतिलाल पोरवाल, अशोक मंगल, जितेंद्र शक्तावत, अनिल चौधरी, रवि पोरवाल, पुरुषोत्तम गुप्ता, कमल धनोतिया, कमल गोयल, ओम प्रकाश बंसल, पंकज दुबे, प्रदीप डबकरा, राजेश जायसवाल, संजय डांगी, सुनील जाधव, सुनीश चोरडिया, बाबूलाल बंजारिया, मुकेश डबकरा, दिनेश मजावडिया, सतीश गोयल, राहुल गोयल, राजेश पोरवाल, संजय गर्ग, नरेश मेहरा, रमन तोतला, रुपेश जाधव, सुनील सिंहल और महिला प्रकोष्ठ की सुनीता मंगल, सुनीता सिंहल, अर्चना गट्टानी, सरिता पोरवाल, सुनीता चौधरी, वंदना मुजावडिया, अनामिका पोरवाल, उर्मिला जैन और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। हम लोग हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। नौ वर्ष के लिए हिंदू जो समृद्ध राज है 2080 इसका शुभारंभ आज से हुआ है। तो हम हिंदू संस्कृति के अनुसार तिलक लगा के मिश्री, नीम की पत्ती और काली मिर्ची का वितरण करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आज से हमारा हिंदू नौ वर्ष चालू हुआ है। आप सबसे पंद्रह साल से ये आयोजन भारत विकास परिषद के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। आज काल गणना के आधार पर नव वर्ष के शुभारंभ आज के दिन होता है। विक्रम संवत का भी आज के दिन शुभारंभ आता है। भगवान झूलेलाल जी भी आज के दिन अवतरण हुए थे और डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार जी का जन्मदिन भी आज ही मनाया जाता है। भगवान राम का राज्याभिषेक भी आज के दिन हुआ था और आर्य समाज की स्थापना संस्था भी आज के दिन ही स्थापना हुई थी। तो यह प्रकृति के आधार पर, सृष्टि के आधार पर यह नव वर्ष है और इस नव वर्ष की नीमच जिलावासियों को, देशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम देखते हैं कि घरों में महाराष्ट्र में गुड़ी लगाई जाती है, यहाँ भी गुड़ी लगाई जाती है और हमारे यहाँ डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार जी ने जो संघ का स्थापना की 1925 में, तब वहाँ पावन पवित्र भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं हम। और आज भारत विकास परिषद भी चौराहे चौराहे पर तिलक लगाकर मिश्री और नीम और काली मिर्च देकर नव वर्ष का अभिनंदन कर रही है। तो मैं आप सबको नए वर्ष की बधाई देता हूँ। जो ममतामयी माँ, करुणामयी माँ है, दयामयी माँ है, आज उसकी स्थापना भी, घट स्थापना भी आज के दिन होती है। तो मैं सबको इस नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। ये नया वर्ष भारतवासियों के लिए एक शुभ संदेश लेकर आया है कि आज एक देव पुरुष भारत का नेतृत्व कर रहा है और हम चाहते हैं कि ये भारत देश पुनः विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित हो। जिस भारत की ध्वजा विश्व में फहराई जाती थी, ये जो भारत जो 15 अगस्त 1947 को हमें मिला है, उसके पहले नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, जहाँ की गांधारी हुआ करती थी, ये विशाल भारत था। आज नव वर्ष के दिन हम संकल्प लेते हैं कि ये वापिस अखंड भारत बने। पुनः एक नव वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सब किसी भी जाति, धर्म, समाज के हों, प्रकृति के आधार पर, काल गणना के आधार पर इस नव वर्ष की पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। यह संस्कृति प्राचीन संस्कृति है और इस संस्कृति में हम सब एक दूसरे को बधाइयाँ देकर उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं। सब खुशहाल बने, यह देश खुशहाल बने, यह प्रदेश खुशहाल बने। पुनः नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।